today me Latika will be sharing a new story with you. So the title of today's story is The Old Wolf Among the Enemies. Once in a forest there lived two pack of wolves. They were arch rivals. One day one pack of wolves attacked the other pack of wolves. While most of the wolves either died or ran away, a very old wolf was captured. The old wolf pleaded for mercy. "Please don't kill me. I am not able to fight. I am just an old wolf who used to give advice to his pack. I am not a fighter but only an advisor." The other pack's leader thought for a while and then said, "You might not fight, but you encouraged your pack to fight us." And so they killed him. So the title of today's story is, "Words are often as dangerous as deeds." तो अब मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। एक बार फॉरेस्ट में दो पैक ऑफ वोल्व्स रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, जानलेवा दुश्मन थे। एक दिन एक पैक ऑफ वोल्व ने अटैक किया दूसरे पैक ऑफ वोल्व्स को। उसमें से मोस्टली वोल्व्स जो थे, ज़्यादातर वोल्व्स या तो मर गए या फिर भाग गए, लेकिन सिर्फ एक ओल्ड वुल्फ को उन्होंने दूसरे पैक ने पकड़ लिया। तो जो ओल्ड वुल्फ अब बचा है वो उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है और उनको प्लीज़ कर रहा है कि मुझे मत मारिए, मैं एक फाइटर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने जो पैक ऑफ वुल्फ था उनको एडवाइस देता था, तो मैं एडवाइज़र हूँ, मैं फ़ाइटर नहीं हूँ। जो दूसरे पैक ऑफ वुल्फ का जो लीडर था उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्होंने बोला कि आपने भले ही अपने पैक ऑफ वुल्फ को के साथ फाइट ना की हो, लेकिन आपने उनको एनकरेज किया हमसे लड़ने के लिए, और वो लोग मिलकर उसको मार देते हैं। तो इसका मोरल है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो उतने ही डेंजरस होते हैं जैसे हमारे एक्शंस। तो हमें वर्ड्स भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। इफ़ यू लाइक द स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय।